बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं। उन्होंने अपने धर्म का हवाला देते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही न सिर्फ ज़ायरा के फैंस को जोर का झटका लगा था बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी उनके इस फैसले के बाद हैरान रह गए थे। लेकिन अब लीजिए दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम अपनी फिल्म द स्काई इज पिंक के चलते फिर से सुर्खियों में है और अब वो फिर से ट्रोल हो रही है। दरअसल 13 सितंबर को ज़ायरा वसीम की फिल्म द स्काई इज पिंक का टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होगा। कहा जा रहा है कि ज़ायरा इस फिल्म के प्रीमियर को अटेंड करने के लिए बीते शनिवार को वहां के लिए रवाना हो गई थी, जिसका अंदाजा हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पोस्ट में लगाया जा रहा है। दरअसल द स्काई इज पिंक में ज़ायरा के साथ प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर भी साथ में नजर आएंगे और इस फिल्म के प्रीमियर के लिए फिल्म की पूरी टीम टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होगी। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें प्रियंका और ज़ायरा के साथ फिल्म के बाकी स्टार्स भी दिख रहे हैं। इस फोटो को पोस्ट करते हुए पीसी ने कैप्शन में लिखा, ओ माई वे टू टोरंटो फिल्म फेस्टिवल नेट टूडे कांट वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम टू ज्वाइन मी फॉर द प्रीमियर ऑन द 13th सितंबर। So excited for the amazing early reviews and to share this with the world. The sky is pink. आपको बता दें कि पीसी की पोस्ट के बाद से ही ज़ायरा वसीम ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। एक यूजर ने ज़ायरा को ड्रामाबाज बताते हुए लिखा कि What Zaira Wasim is doing there when she has already left Bollywood and acting for the sake of her religion? What a dramabaz this girl is. वहीं एक दूसरे यूजर ने ज़ायरा को ट्रोल करते हुए लिखा, She is the girl who already quit acting because of religion. So what now? Or those were all dramas to get the limelight? वहीं एक और यूजर ने लिखा कि, But the girl decided leave Bollywood, isn't it? इतना ही नहीं, एक और यूजर ने ये भी लिखा, I won't watch this movie only because Zaira Wasim is casted in it. तो देखा आपने? लोगों ने ज़ायरा वसीम को जमकर ट्रोल किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ज़ायरा ने एक लेटर लिखकर इस बात का ऐलान किया था कि उन्हें बॉलीवुड में अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने अल्लाह से दूर हो रही हैं, जिसके चलते वो बॉलीवुड को छोड़ रही हैं। लेकिन ज़ायरा के इस फैसले के बाद भी अपनी फिल्म के प्रीमियर में जाना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि लोगों ने ज़ायरा को धर्म के नाम नौटंकी करने वाला बता डाला है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।